घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। 2019 में देखा जाए तो इंसानों में इंसानियत कम हो रही है, लेकिन जानवरों में वो बढ़ रही है, और वो पहले से ही थी। गाइस वेलकम टू फैन फर्स्ट एपिसोड। सो आज का एपिसोड जो है मैं मेरे पेट्स को डेडिकेट कर रहा हूँ, मेरे वो दो बहुत ही करीबी पेट्स है जो गिनी पिग्स है। ओके बेसिकली आज का जो एपिसोड है मैं मेरा और उनका बॉन्ड भी आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको केयरिंग टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप गिनी पिग्स को आपके घर में अच्छे से रख सकते हैं। देखो मैं जो वो जो जो पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो बेसिकली रहेगा उनका केयरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, फिर उनको किस वेदर में कैसा रखा जाए, उनको क्या फूड फीड किया जाए, अगर बीमार पड़ते तो घर पे आप क्या उपाय कर सकते हैं, वो ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे, ये सारे जो वो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो सारे लेक्चर में सारे के सारे कवर करूंगा। सो गाइस अगर आप गिनी पिग को लेने वाले या आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि गिनी पिग ले, तो मेरा वीडियो आखिर तक देखना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप एक पेट शॉप के ओनर हो तो जो चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ वो भी चीजें आप उन लोगों को बोले जो आपसे गिनी पिग खरीदेगा। क्या होता है ना, बेसिकली जो पेट शॉप वाले होते हैं ना वो गिनी पिग के बारे में पूरा डिटेल नहीं देते, वो उनको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि लाइक अ रैबिट इज अ गिनी पिग। भाई ये बहुत बड़ी गलत बात है। हाँ वो सारे एक फैमिली में आते हैं, लेकिन हर एक का बिहेवियर फूड कंजप्शन अलग अलग होता है। सो गाइस प्लीज वॉच माई वीडियो टिल एंड। एंड गाइस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट योर पेट्स आर योर पेट्स एंड दे विल लव यू टिल यू डाई। गाइस फिंगर क्रॉस, होप यू लाइक माई वीडियो। मैं आपको बता दूं कि गिनी पिग एक्चुअली में क्या होते हैं। सो गाइस गिनी पिग कम्स फ्रॉम रोडेंट फैमिली, रोडेंट परिवार से होते हैं, फिर उसके बाद में वो बहुत लविंग क्रिएचर है और एडोरेबल भी है। गिनी पिग की बहुत सारी वेराइटी और उनकी ब्रीड होती है, ठीक है, वो डिफर करते हैं उनके टेक्सचर और उनके हेयर की ग्रोथ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो टेडी बियर है, रेक्स है, बहुत सारे ऐसे गिनी पिग की ब्रीड है, बेसिकली सात ही गिनी पिग की ब्रीड है, मैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और जो मेरे पास जो अभी ब्रीड है वो एक्चुअली दे आर अमेरिकन गिनी पिग, ये इंडिया में इजिली अवेलेबल है, ओके, और इनकी ब्रीडिंग भी ज्यादा होती है इंडिया में क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट उनके लिए सुटेबल है। सो नाउ आई विल शो माय गिनी पिग्स टू यू। जो आपको दिख रहा है जो मस्ती कर रहा है ना, ये हमारा टॉम है, ठीक है, ये सबसे शैतानी करता है, यहाँ कभी हाथ में आता ही नहीं मेरे। सो देखो गाइस दिस इज माय टॉम, और ये जो सबसे शांत बेटी है ना ये मेरी जेरी है। बेसिकली इनका पहला नाम जिगली बफ और विगली बफ था, लेकिन मेरे घर वालों ने इनका नाम कर दिया टॉम एंड जेरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। आप आपकी गिनी पिग को क्या क्या फूड दीजिए? देखो हमेशा याद रखे कि आप उनको वही फूड प्रोवाइड कीजिए जो वो खाते, ठीक है, कुछ नया देने का ट्राई कभी मत कीजिए। जो मैं चीजें आपको बोलने वाला हूँ, जो फूड्स मैं आपको बोलने वाला हूँ, वही आप अगर आपकी गिनी पिग को देंगे तो उसका अच्छा बेनिफिट उनकी हेल्थ पे पड़ेगा। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ टोमेटो। प्रोवाइड देम टोमेटो 2 इन अ डे, लेकिन देते समय टोमेटो के सीड निकाल के ही आप देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद शिमला मिर्च, वो भी उनको कम, वो उनको दो एक ही दीजिए, दिन में एक ही दीजिए, और उसके सीड भी निकाल के दीजिए। बाद में पालक की आप ज्यादा क्वांटिटी में दे सकते, पालक से उनको कुछ नहीं होगा, उनकी बॉडी को अच्छे ही बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद पत्ता गोभी फ्लावर ना दे, ये बहुत ही अवॉइड कीजिए, या आप उनको महीने में सिर्फ एक ही बार दीजिए क्योंकि उससे उनकी बॉडी पे डिस इफेक्ट हो सकता है। अगर आप आपकी गिनी पिग को बहुत ही हेल्थी रखना चाहते हैं तो उनको आप हेवी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है, अमेजोन पे आ जाता है, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। तो अगर आप उनको कैरोट दे रहे तो कैरोट भी कम क्वांटिटी में दीजिए, बेबी कैरोट जो आते हैं जो छोटे छोटे वो इनको दीजिए। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग गिनी पिग हर चीजें खाते नहीं, क्या उनका बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी हर एक गिनी पिग से डिफर करते, कोई खाते कोई नहीं खाते, तो बेसिकली अगर वो नहीं खा रहे तो उनको फोर्स मत कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपकी गिनी पिग को आप स्वीट स्वीट कॉर्न प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको छोटे क्वांटिटी में दीजिए, ज्यादा क्वांटिटी में उनको कॉर्न मत दीजिए क्योंकि वो बहुत रॉ होता है, उनकी बॉडी वो सह नहीं पाएगी। सो आप जो देख रहे हैं मेरी गिनी पिग बहुत हेल्थी है, मैं उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, और उसके बाद मैं उनको और एक चीज जो प्रोवाइड करता हूँ जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो एक्चुअली दे आर दिस पैलेट्स, ओके, ये पेट्स लाइफ का पैलेट्स है, तो 1 kg का पैकेट है, तो इसे आप दे सकते हैं इनको, आप ऐसा स्वीट डिश प्रोवाइड कीजिए रात में एक बार और दिन में एक बार, और इसकी क्वांटिटी भी अगर आपके पास 2 गिनी पिग है
तो उनको 10 ही दीजिए, हर एक को 5-5 ज्यादा क्वांटिटी में इसको ना दे। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई होता है जो गिलमिक में बहुत कम होता है। अगर आप इनको देंगे तो बहुत सारे उनका न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मेरे गिलमिक का ये बहुत ही फेवरेट है। तो अब बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं खाने के लिए। सो ये मेरा टॉम को भी बहुत पसंद है। देखो इसने गिरा दिया तो उसको इधर देना पड़ेगा। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकी केयर कैसे ली जाए। ओके बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग गिनी मीट को देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, वो घर पे लेके आते हैं, लेकिन जब उनको केयर करने की कोशिश जाते हैं तो वो थक जाते हैं। तो क्यों थकते हैं? क्योंकि प्रॉपर से ट्रीटमेंट वो उनको दे नहीं रहे वो। तो क्या किया जाए, इस पर एक ही सोल्यूशन है। अगर आप आपके घर पे गिनी मीट ला रहे हैं तो उनके उनको बड़े केज में ही रखना, छोटे केज में कभी ना रखना। क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, गिनीपिग को ना एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। अगर आप उनको छोटे केज में रखोगे तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करेंगे, वो सुस्त पड़ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। गिनीपिग बहुत ही खेलने वाले जीव है। ओके उसके बाद गिनीपिग गंदगी बहुत करते, अगर आप उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, ओके प्रॉपर केयर लेंगे उन, तो उनका जो पिंजरे का जो स्मेल है वो भी कम आ जाएगा। ओके हमेशा याद रखिए कि जो भी केज आपका है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, एक स्पंज से या टाइल से या वुडन प्लेट से। ओके क्योंकि क्या होता है ना, जो ऐसे केज होते हैं ना इनसे उनके पैरों को प्रॉब्लम हो जाता है, तो ठीक से वो चल नहीं पाते और खेल भी नहीं पाते। मैं आपको मेरा केज भी दिखाऊंगा बेसिकली कैसा है मेरा केज। तो आप सोच रहे हो कि भाई इसने उनको इधर क्यों रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक स्टैंड है जहाँ पर मैंने उसको रखा है। ये तो बहुत मस्ती कर रहे इसलिए नीचे आ गया, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऊपर रखा है। सो गाइस दिस इज केज ऑफ माई गिनी पिग। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था कि गिनी पिग का जो आपका केज होना चाहिए वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों से कवर होना चाहिए। जैसे मैंने इसको प्लाईवुड से कवर करके रखा है और थोड़ी स्पेस है जहाँ पर वो लीटर करते हैं। ठीक है मेरे गिनी पिग को मैंने ट्रेनिंग दी इसलिए वो यहाँ पर जाके लीटर करते हैं। ठीक है ज़्यादा तो बाकी तो उनकी जगह वो साफ रहती है, तो मैं उनको फीडिंग के लिए भी इधर देता हूँ। ये उनके दो बाउल है, यहाँ पर वो पानी पीते हैं, यहाँ पर मैं उनको पैलेट्स देता हूँ और यहाँ पर जो ग्रीन वेजिटेबल जो उनको न्यूट्रिशन के लिए वो मैं इनको यहाँ पर देता हूँ। फाइन प्रॉब्लम, अगर आपकी गिनी पिग को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है तो डरिएगा मत, एक ही काम कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी में उनको पालक दीजिए और हे दीजिए। हे में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जो भी उनको प्रॉब्लम है वो सारे का सारा खत्म कर देगा। ठीक है अगर उससे भी कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है तो प्रोवाइड देम सम वार्म वाटर, पानी बहुत कम होना चाहिए। ठीक है तो इन छोटे ट्रीटमेंट से तो वो ठीक ही हो जाएंगे, लेकिन अगर वो बहुत ही बीमार पड़ रहे हैं देन आई विल टेल यू दैट यू शुड विजिट डॉक्टर। ओके दे विल गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैसा है। देखो हर एक गिनीपिग की बिहेवियर और पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग होती है। गिनीपिग बहुत ही तरह के आवाज निकलते और हर एक उनका आवाज का मीनिंग अलग अलग होता है। कभी कभी वो खुश होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी उनको खेलना है कूदना है। ये जो सारी आवाजें हैं मैं आपको इस क्लिप आगे वाले क्लिप में दिखा दूंगा। क्या होता है बहुत सारे गिनी पिग ना वो सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते और आपको लगता है कि वो बीमार है क्या। नहीं बेसिकली वैसा नहीं है, बहुत सारे गिनी पिग को सोना बहुत पसंद है और बहुत सारे गिनी पिग को खेलना बहुत पसंद है। जब मेरे गिनी पिग खुश होते हैं, जब उनको खेलना पसंद आता है तो बेसिकली वो जंप करते, वो जंप करना स्टार्ट करते। ये जो टॉम है ना ये बहुत ही जंप करता है। फिर आप सोच रहे होगे कि आपको गिनी पिग को कैसे टेम करना है। देखो गिनी पिग को आप टेम कर सकते हैं इजीली अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ज्यादा अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपको फ्रेंडली मानेंगे और आपके साथ वो खेलना कूदना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली मेरा वैसा ही है। फिर ब्रीडिंग का प्रॉब्लम, बेसिकली बहुत सारे गिनी पिग वो ब्रीडिंग नहीं करते। क्यों, क्या होता है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, उनको प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं रहता इसलिए वो ब्रीडिंग नहीं करते। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है जो ब्रीडिंग नहीं करते। अगर उनको प्रॉपर स्पेस वगैरह देंगे तो वो ब्रीडिंग भी करेंगे। ना भी आते हैं हम उनके पर्सनल केयर पे। गिनी पिग को अगर आप बात देना चाहते हैं तो उन्हें महीने में एक ही बार दीजिए। ओके ऑलवेज गिव देम बात इन द एंड ऑफ मंथ और थोड़े गर्म पानी में दीजिए, ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है जो टेम्परेचर होता है
वो बहुत ही काम होना चाहिए। बेसिकली अमेजोन पे आपको इनकी शैम्पू भी मिल जाएगी जो इनके लिए अच्छा है। डोंट ट्राई टू मेक दिम बाथ विद आवर सोप लाइक जॉनसन बेबी, वो ट्राई ना कीजिए, उनकी हेयर्स में प्रॉब्लम हो सकते। और एक बात, गिनी पिग के बहुत ही बाल झड़ते रहते हैं क्योंकि उनको नए बाल आते, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनके बाल गिरते रहते और नए आते भी रहते। और अगर उनके नाखून बहुत ही बढ़ रहे हैं तो उनसे ठीक से ही कट कीजिए, नहीं तो कट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कौन से वेदर में इनको कैसे रखना है। अगर सीजन है गर्मी का तो हमेशा इनको एक फैन के नीचे ही रखें। गिनी पिग को ठंडी जगह बहुत ही पसंद है। ओके, ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल। ओके, उनको अच्छा लगे। जो मेरे गिनी पिग है उनको मैं एसी की आदत लगा दी है, जब इनको मैं एसी में लेके जाता तो एक कूदना खेलना शुरू कर दी क्योंकि उनको बहुत पसंद आता है। अगर सीजन आता है रेनी सीजन, ओके, बारिश के सीजन में इनको गर्म जगह में रखें, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वार्म एंड गुड। ओके, और पानी से दूर होने चाहिए उन, और उस समय उनके जो केज होगा उसको सूखा रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आते ठंडी के मौसम में, तो अगर आप उनको किधर भी रख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठंडी में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे गिनी पिग होते हैं जिनको ठंडी का प्रॉब्लम होता है। वो सारे गिनी पिग जो होते जिनको ठंडी का प्रॉब्लम होता है ना, वो छोटे रहते, दे आर नॉट अडल्ट, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि तब तक उनके बाल ज्यादा आने रहते। अगर आपके पास एक यंग अडल्ट गिनी पिग है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उनका फर बहुत ही बड़ा रहता है, लेकिन छोटे गिनी पिग को प्रॉब्लम आता है तो उस समय क्या कीजिए, सिर्फ उनको उनके केज को ना ठीक से कवर कीजिए एक पेपर से या चादर से वगैरह, ताकि वो वार्म रहे। अगर आपकी गिनी पिग बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तब तक उनका फर अच्छे से आ जाएंगे। मेरे गिनी पिग तो अभी छोटे हैं बट दे हैव मच फर, सो इनको कोई विंटर में प्रॉब्लम अब आया तो नहीं, उल्टा इन्होंने बहुत ही एंजॉय किया विंटर के समय। ओके, और भाई मेरे आप मुझे आपको एक ही बात कहना है कि हमेशा उनको केज में ना रखें, उनको घूमना खेलना बहुत पसंद है, वो बहुत घूमते खेलते रहते। और आप अगर आपकी गिनी पिग को आपको खुश रखना है तो हमेशा ये फॉर्मूला ट्राई कीजिए, ये मेरे जेरी को बहुत पसंद है, कभी कभी तो ये सो भी जाती है। हाँ, और एक बात, गिनी पिग आपको कभी काटेगा नहीं जब तक वो आपसे खुश है। अगर गिनी पिग आपको काटता है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो आपको हमेशा काटेगा, वो गलती से एक बार आपको काट सकता है या कभी जोश जोश में उसका होश भी खो जाता है। एक बार मैंने टॉम ने मुझको खाया था, मतलब सॉरी काटा था, तो जोश में था क्योंकि तब मैं उसको फूड प्रोवाइड करा था, तब उसने सॉरी गाइस थोड़ी मेरी वीडियो क्लियरिटी अच्छी नहीं थी, तो बेसिकली मैंने आपके लिए एक डिटेल में आपको संबंध है इसलिए कुछ चार्ट भी बनाए हैं। तो जो पहला चार्ट मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ ये उनकी फीडिंग के लिए कि आप उनको क्या क्या फीड कर सकते, कौन से समय कितना क्वांटिटी में और कैसे उसको फीड करें, तो उसका पूरा डिटेल मैंने इस चार्ट में डिस्प्ले किया है, तो इस चार्ट को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, और या पॉज करके आप उसको लिख भी सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका गिनी पिग बीमार पड़ रहा है तो वो क्या कौन से सिम्टम दिखा रहा है बीमार होने के, अगर वो ठीक से खा नहीं रहा है, ज्यादा पानी पी रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो भी आपको ठीक से समझ जाएगा अगर ये मेरा आप ये चार्ट देख लेंगे। ठीक है, जो भी मैं जैसा चार्ट में आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ ये एक्चुअली बिहेवियर ऑफ गिनी पिग है। मेरे गिनी पिग अभी इस समय वो गुस्सा नहीं हो सकते या कुछ भी नहीं कर सकते कि वो उन पे डिपेंड हो क्या करे क्या नहीं, इसलिए तब मैं थोड़ी कोशिश की उनको बिहेवियर दिखाने के लिए, तो उसकी कुछ वीडियोस क्लिप आपने देखे। सो अभी ये देख लीजिए ये चार्ट, इसमें आपको बेसिक सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आपकी गिनी पिग का बिहेवियर कौन से समय कैसा होता है और उस वक्त क्या क्या करते। होप यू गाइज यू लाइक माई वीडियो, अगर लाइक नहीं अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भाई मुझे सब्सक्राइब करना, अगली बार जब मैं अच्छा बनाऊंगा तो उस समय लाइक करना, जब आपको पसंद आए तभी लाइक करना। लेकिन गाइज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पेट्स के बारे में, तो ठीक से आप देखिए, दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। ओके, उनको बताइए कि कैसा होता है, कैसी पेट केयरिंग की जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो उनको नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बोले वो खुद आपके मुँह से उनको बताइए। गाइज ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर पेट्स, क्योंकि वो भी एक जानवर है, उनका भी एक दिल होता है, ठीक से उनकी केयर कीजिए। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है फैन का, वो बेसिकली एक विजिट होगी एक पेट शॉप को, फिर हम वहां पर विजिट करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे कि उनके पेट शॉप में क्या क्या वेरायटी और क्या क्या वो अवेलेबिलिटी है और क्या वो हमको दे सकते हैं। फिर उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे प्लान है, मैं एक इंटरव्यू भी लेने वाला हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अमटे का कि उनका पेट्स उनका रिलेशन कैसा है,
बहुत सारे प्लान है मेरे पास, बहुत सारी केयरिंग टिप्स है, जितने भी मेरे पास पेट्स है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बोलूंगा। और जल्दी मैं एक टूर भी बनाने वाला हूँ मेरे पेट्स की, तो उसके लिए बहुत टाइम है। फिलहाल तो मेरा फर्स्ट वीडियो था गिनी पिग के लिए, क्योंकि कैसा है गिनी पिग के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, इसलिए लोगों को मालूम नहीं उनको कैसे केयरिंग उनके लिए जाए। सो गाइस होप यू लाइक इट, शेयर योर फ्रेंड्स, इफ यू होप दैट आई शुड मेक मोर वीडियोस देन सब्सक्राइब मी, सपोर्ट मी गाइस, एंड आई विल स्टे। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला? सो गाइस होप यू लाइक माय वीडियो। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे नहीं मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में हर रास्ते।